वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। फिलिस्तीन पर कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करना चाहते हैं हमारी सरकार से कि ऐसे रिएक्शनरी प्रतिक्रियावादी इजरायली सरकार जो पूरी तरह फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों को कुचला है, ऐसे सरकार के साथ हमारा रिश्ता नहीं रहना चाहिए, यही मांग करते हुए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे कि जब तक इजराइल फिलिस्तीन और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों को मान्यता नहीं देंगे, तब तक हम उनके साथ जितने भी हमारे आर्थिक सैन्य और सुरक्षा की रिश्ता है वो रिश्ता नहीं रखेंगे। अभी क्या हो रहा है, इसराइल पैलेस्टीन जनता को, इनोसेंट जनता को इतना हत्यार कर दिए जा रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं उस पैलेस्टीन को और पैलेस्टीन जनता को, तो हमारी एक्शंस पूरी दुनिया देख रही है। तो ये सही है कि आपने जो यूएन के अंदर ये सब वो सब बात सही है, मगर आपकी फॉलोअप एक्शन भी क्या होना चाहिए था। तो आप उधर वो सब किया, मगर आज आप इतना बड़ा वेलकम, जो अनप्रेसिडेंटेड वेलकम, तो ये देने का मतलब क्या है? क्या इंडिया जो इसराइल की पॉलिसी को, उसका पॉलिसी है कि पैलेस्टीन के इनोसेंट लोगों को हत्या करना, उस पॉलिसी के साथ है या उसके खिलाफ है? एसेंशियली दिस प्रोटेस्ट टुडे is not just on the question of Netanyahu's arrival in India. The question is a bigger thing. When we are advocating for the rights of democratic rights for the people, democratic dissent, essentially it also takes within itself a question. What are the rights of the Palestinian people, A? And how Israel is trying to suppress their rights? And why India is getting into an agreement with Israel where it is procuring arms and ammunition, paying huge prices, and that money is used to, you know, for the atrocities on people in Palestine. इजराइल की जो इम्प्यूनिटी है वो इस बात पे चलती है कि दुनिया भर के राज्य जिसमें इंडिया आज सबसे आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपने ट्रेड, मिलिट्री टाइज, इन सब चीज़ों के वजह से इजराइल को उसकी इम्प्यूनिटी देते हैं। तो इजराइल की उस इम्प्यूनिटी को ख़त्म करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि इस तरह के रिलेशंस को ख़त्म किया जाए, इजराइल के ऊपर बॉयकॉट्स के द्वारा, सैंक्शंस और डाइवेस्टमेंट्स के द्वारा ये प्रेशर डाला जाए कि वो फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर अपने अत्याचार ख़त्म करें। ये सब ये शो करता है कि जो हिंदुस्तान के प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी और आरएसएस की, उसकी मानसिकता क्या है। ये मानसिकता, जैसा आपने बताया, कि जो नेशन दूसरों के ऊपर कब्जा करते हैं, दूसरे की जनता को दबा के रखते हैं, और यही एटीट्यूड जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि इस देश की जनता को किस तरह से दबाया जा रहा है, वो ये सरकार का एटीट्यूड है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, और चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, उनको वो उसी मानसिकता से, जिस मानसिकता से इसराइल सरकार काम करती है, उसी मानसिकता से हमारी ये मौजूदा सरकार कार्य करती है, और इसीलिए इनमें ये समानता है, इसीलिए इनमें ये दोस्ती है, और हम इसके विरोधी हैं, विरोध करते हैं, हमेशा से विरोध करते हैं कि इसराइल का जो एटीट्यूड पैलेस्टाइन जनता के लिए है, वो उसकी हम हमेशा निंदा करते हैं कि उस तरह का नहीं होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और हम पैलेस्टाइन जनता के साथ, इस देश की जनता, इस देश का आवाम पैलेस्टाइन के साथ है, ये सदियों से ये चला आ रहा है।